राइट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का और बहुत ही सॉफ्ट टी केक, जो हर घर में लोग इसे पसंद करते हैं। शाम को चाय के साथ कोई गेस्ट आ जाए तो टी टाइम में सर्व करने के लिए टी केक लाजमी होता है। आज इसकी बहुत मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए जो मैंने इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं उसमें है 1 कप फ्लोर, 1 कप शुगर जिसे मैंने अपने मिक्सर में पाउडर कर लिया है, इसके साथ 3 eggs, 1/2 cup बटर जिसे मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया और ये सॉफ्ट हो गया है, इसके साथ 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, यहाँ मैंने थोड़े से आलमंड्स लेकर इनको मैंने क्रश कर लिया है, और साथ ही 1/4 teaspoon वनीला एसेंस। अब हम इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, मेकिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना ओवन प्री हीट करने के लिए ऑन कर दिया 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप भी जब भी कोई चीज़ बेक करने लगें सबसे पहले अपना ओवन प्री हीट कर लिया करें, ताकि जब तक आपका बैटर रेडी हो तब तक आपका ओवन भी अच्छी तरह से प्री हीट हो जाए। अब यहाँ बाउल लें और जिसमें आप अपना सॉफ्ट हुआ हुआ बटर ऐड करें और इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करना स्टार्ट करें। ये काम आप विस्कर की मदद से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले बटर को बीट करें। और अब इसके बाद आप इसमें एक एक करके एग्स ऐड करें। याद रहे, इकट्ठे मत डालिएगा, एक एक करके इसमें ऐड करते जाएं और इसको कंटिन्यूसली बीट करते जाएं, ताकि एग और बटर से एक अच्छा सा बैटर बन जाए। अब आप इसमें अपना एक एक करके इतना सारे एग ऐड कर दें। ये मैंने तीसरा एग भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको इसी तरह बीट करें ताकि ये स्मूथ बैटर बन जाए। साथ साथ आप स्पैचुला की मदद से अपना बैटर साइड से, यहाँ से साइड से उतार कर मिड में करते जाएं, ताकि पूरा बैटर इक्वली बीट हो जाए। अब आप इसमें थोड़ी थोड़ी करके अपनी शुगर ऐड करते जाएं और इसको इसी तरह से बीट करते जाएं। एक ही दम सारी शुगर मत डालें, इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और साथ साथ बीट करते जाएं। जी व्यूअर्स, अब हमारा बटर और एग शुगर बहुत अच्छी तरह से बीट हो गया। अब इस स्टेज पर आप इसमें 1/4 teaspoon वनीला एसेंस ऐड कर दें, और अब इसके अंदर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसमें 1 teaspoon बेकिंग पाउडर और फ्लोर ऐड करें। फ्लोर को इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको बीट करते जाएं। साथ ही साथ आप अपने स्पैचुला की मदद से मिक्सचर को साइड से उतारते जाएं, ताकि आपका सारा बैटर बहुत अच्छी तरह से स्मूथली बीट हो जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा इसी तरह फ्लोर ऐड करते जाएं, और इसके साथ ये भी बताती चलूं कि आप इसमें बटर की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं। मैंने 1/2 cup बटर लिया, आप 1/2 cup वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे आपका टी केक बहुत ही सॉफ्ट और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, वेजिटेबल ऑयल से भी बहुत अच्छा बन जाता है। जी व्यूअर्स, हमारा बैटर बहुत अच्छी तरह से बीट हो गया है। अभी स्टेज पर मैं इसमें 1 to 2 drops येलो फूड कलर के ऐड करूँगी, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपको इसमें कलर अच्छा नहीं लगता तो आप इसको सेम एज इट इज़ भी रख सकते हैं, कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं। और कुछ लोग जो हैं वो ज़रा येलो कलर इसमें पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कलर ऐड कर लिया है। बहुत ही स्मूथ बैटर बना है,
और मैंने अपना पैन भी पहले से ही ग्रीस कर लिया है और साथ ही ग्रीस करके उसके अंदर बटर पेपर लगा दिया है। आप भी एक ओवन का काम और एक पैन का काम पहले ही करके रखा करें ताकि जैसे ही आपका बैटर रेडी हो तो आपकी ये दोनों चीज़ें भी रेडी हों। जी व्यूअर्स, ये मेरा पैन, इसका ये जो मोल्ड है बिल्कुल रेडी है, जिसे मैंने ग्रीस कर लिया और इसके नीचे मैंने बटर पेपर भी लगा दिया है। अब हम अपना बैटर इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे सारा। और ओवन, आपको पता है, मैंने मेकिंग स्टार्ट करने से पहले ही उसको प्री हीट करने के लिए ऑन कर दिया था और अब तक तो वो 15-1 मिनट में बहुत अच्छा प्री हीट हो गया है। इस तरह से आप अपना सारा बैटर इसके अंदर शिफ्ट कर लें इक्वली और इसके बाद आप एक फॉक की मदद से इसको इस तरह ज़रा कर लें ताकि कोई भी एयर बबल ना रहे, वरना आपके टी केक के अंदर होल्स आ जाएंगे। कोई ना कोई एयर बबल होता है जो बेकिंग के बाद फिर उसमें होल की वजह बनता है। अब साथ ही साथ आप इसे 2 से 3 बार टैप कर लें। अब लास्ट में मैं इसके ऊपर जो मैंने बादाम क्रश करके रखे हुए थे वो थोड़े से स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि जब ये बेक हो तो इसके ऊपर की लेयर पर बादामों की वजह से अच्छी सी इसकी लुक निकल आए। अब हम इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। अब मैं इसे ओवन में रखती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, आफ्टर 30 to 35 मिनट्स हमारा टी केक बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है। आप इसको स्टेज पर साइड से नाइफ की मदद से इसको सेपरेट कर लें, लेकिन अभी मोल्ड से बाहर मत निकालें, बस साइड से गरम केक को ही सेपरेट करके अब इसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद हम इसे डिश आउट करके इसकी कटिंग करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा टी केक बिल्कुल रेडी है, हमने इसको डीमोल्ड कर लिया है और अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट बना है, ये देखें, इसको आप चाय के साथ सर्व करें, इंजॉय करें। माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट, ये देखें इसके स्लाइसेस बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत मज़े के होंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और फीडबैक ज़रूर देंगे। अगर आपको मेरे चैनल की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।